Sharif and I am reading class 8 Bravo. My school name is Edutop School, Pakistan. Today we will learn about neuron. What is neuron? Neuron is a structural and functional unit of our nervous system. कि ये structure nervous system का structure भी बनाता है और उसके function भी खुद control करता है. कि यानी जो message आता है उसको ये खुद read करता है. उसके बाद ये इसकी diagram है simple सी. इसमें दो चीजें आ जाती हैं. एक इसकी सेल बॉडी और दूसरी एक्सॉन. सबसे पहले न्यूरॉन को स्टार्ट कर देते हैं डेंड्रिट. ये हेयर डेंड्राइट्स, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं. या अगर हम एक गर्म चीज पर हाथ रखते हैं तो हमारे बॉडी के हर जगह पर न्यूरॉन पाए जाते हैं. अगर हम एक गर्म चीज पर हाथ रखते हैं तो हमारे डेंड्रिट को ये मैसेज पहुँच जाता है, डेंड्राइट्स को ये मैसेज पहुँच जाता है और फिर ये मैसेज आगे न्यूक्लियस की तरफ ये भेजता है. न्यूक्लियस इस मैसेज को रीड कर आगे एक्सॉन की तरफ भेजते हैं. एक्सॉन एक ऐसी लॉन्ग टेल है जो मैसेज को न्यूक्लियस से दूर ले जाती है. एक्सॉन के एंड पर एक बाहू स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम टर्मिनल एंड ऑफ एक्सॉन कहते हैं. इनका काम ये होता है कि मैसेज को अगले न्यूरॉन की तरफ भेजना होता है. पूरे न्यूक्लियस में जो भी मैसेज आगे ट्रांसफर होता है वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल वेव की फॉर्म में जाता है और उसे हम लाइट इंपल्स कहते हैं. सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कुछ पार्ट हैं जिनमें ब्रेन आता है. आज हम ब्रेन को ब्रीफली डिस्कस करेंगे. ब्रेन ये हमारा पूरा स्कल होता है. जो स्कल से ऊपर वाला हिस्सा होता है उसे हम क्रैनियम कहते हैं, जिसके अंदर हमारा ब्रेन पाया जाता है. और ब्रेन के कुछ पार्ट होते हैं, एक फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाई ब्रेन. अब इन सब पार्ट्स के अंदर एक और पार्ट, इनके अपने पार्ट मौजूद होते हैं जो इनके अलग अलग फंक्शंस करते हैं. सबसे पहले फोर ब्रेन में तीन पार्ट्स हैं, जैसे सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस. मिड ब्रेन का कोई पार्ट नहीं होता. आगे हाई ब्रेन, हाई ब्रेन में सेरिब्रम आ जाता है, बोन्स आ जाती हैं और मेडुला ऑब्लोंगटा आ जाती है. हमें आप इनके फंक्शंस को ब्रीफली डिस्कस करते हैं. सेरिब्रम हमारी सोचने को कंट्रोल करता है कि हम किस तरह सोच रहे हैं, हमारी फीलिंग्स को कंट्रोल करता है एक्सेट्रा. थैलेमस हमारी सेंसरी ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, सेंसरी ऑर्गन के फंक्शन को कंट्रोल करता है, यानी सेंसरी फंक्शन को कंट्रोल करता है थैलेमस. यानी अगर हम देख रहे हैं आँख के जरिए तो थैलेमस उसको कंट्रोल कर रहा होता है. अगर हम कान के जरिए सुन रहे होते हैं तो वो थैलेमस उसको हुक्म दे रहा होता है. हाइपोथैलेमस हमारे भूख और प्यास को कंट्रोल करता है. यानी हमारे अगर हमें भूख महसूस हो रही है तो थैलेमस के जरिए हाइपोथैलेमस उसको मैसेज दे रहा है. अगर हमें प्यास महसूस हो रही है तो वो भी हाइपोथैलेमस मैसेज दे रहा है. उसके बाद आ जाता है मिड ब्रेन का कोई पार्ट नहीं होता. इसका बस यही पार्ट होता है, इसका बस यही काम होता है कि ये सेंसरी ऑर्गन से मैसेज रिसीव करता है. कि अगर सेंसरी ऑर्गन ने कोई मैसेज दिया है तो वो पहले मिड ब्रेन में जाएगा, उधर से मिड ब्रेन आगे फोर्थ ब्रेन में ट्रांसफर कर देगा. हाइंड ब्रेन का सबसे पहला पार्ट सेरिब्रम है. सेरिब्रम हमारी एक्यूरेट मूवमेंट और हमारी चलने फिरने की बॉडी बैलेंस कंट्रोल करता है. उसके बाद आते हैं हमारे पोन्स. पोन्स हमारे जब हम सो रहे होते हैं और जो हम टेस्ट करते हैं वो हमारे पोन्स को कंट्रोल करते हैं. अब जो हाइंड ब्रेन का लास्ट पार्ट है वो कहलाता है मेडुला ऑब्लोंगटा. ये हमारे ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. अगर ये काम करना छोड़ जाए तो हमारी बॉडी हम जिंदा नहीं रह सकेंगे. क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं तो ये मेडुला ऑब्लोंगटा उस वक्त काम कर रहा होता है. बाकी पूरा ब्रेन सो जाता है लेकिन मेडुला ऑब्लोंगटा एक बाइक ऑर्गन है जो उस वक्त भी काम कर रहा होता है. ये इतना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसका काम हमारी डाइजेशन, हमारी रिस्पायरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करना और हमारी हार्ट बीट को कंट्रोल करना है.